नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 22 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मंत्रिपरिषद ने लगाई मुहर। बिहार की 2.25 लाख ग्रेजुएट लड़कियों को नए साल में मिलेगा 50,000। अब आपको जमीन की जानकारी के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर। केन विलियमसन भी है मनोज वाजपेयी के कायल। बिहार होमगार्ड्स भर्ती परीक्षा का स्केड्यूल जारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मंत्रिपरिषद ने लगाई मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पहली बार बीते दिन वाल्मीकि नगर में एक कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कुल मिलाकर 13 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसके तहत अब राज्य में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत उसी तारीख से लागू होगा। बिहार राजभवन निगम लिमिटेड से प्राप्त पुनरीक्षित प्राकलन 50,64,36,000 प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उद्योग विभाग की तरफ से बेगूसराय के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बरौनी में प्रस्तावित सॉफ्ट ड्रिंक पीटी इकाई की स्थापना हेतु निजी पूंजी निवेश को स्वीकृति दे दी गई है। वहीं भोजपुर जिले में इथेनॉल और पशुचारे से संबंधित इकाई की स्थापना के लिए 168,42,00,000 रुपए के निजी पूंजी निवेश को स्वीकृति दे दी गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साझा लागत 40,70,00,000 की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। अब घर के ऊपर से नहीं गुजरेगा बिजली का तार। आपने जरूर अपने घर के छत के ऊपर से या फिर कहीं आसपास ये जरूर देखा होगा कि 11,000 वोल्ट के तार गुजर रहे हैं, जिसके कारण कई बार कई हादसे भी सामने आए हैं। लेकिन इन तारों को हटाने की मांग भी उठाई जा रही थी और अब इस मुद्दे को लेकर कोई खास पहल अब तक तो नहीं की गई थी, लेकिन अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ऊर्जा विभाग को सुनवाई के दौरान इस प्रकृति के मामले में लगातार कदम उठाने की पहल की गई है। इस संबंध में ऊर्जा विभाग के आला अधिकारी से पूरी स्थिति की जानकारी लेने के बाद हैरानी प्रकट भी की गई। सबको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि बिजली का तार किसी के छत के ऊपर से गुजर रहा हो तो उससे संबंधित तो परेशान है। मुख्यमंत्री के इसी हस्तक्षेप के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि बिजली कंपनी सरकारी खर्चे पर छत के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार को हटा सकती है। बिहार की 2.25 लाख ग्रेजुएट लड़कियों को नए साल में मिलेगा 50,000। नया साल बिहार की 2.25 लाख ग्रेजुएट लड़कियों के लिए नया सौगात लेकर आने वाला है, क्योंकि नए साल में शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार नए साल में इन सभी छात्राओं को 50,000 रुपए मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान 25 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक स्नातक पास छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रुपए और चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्नातक पास छात्राओं को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को 31 दिसंबर तक लंबित आवेदनों को सत्यापन करने का अल्टीमेटम दिया है। हालांकि अभी भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें विश्वविद्यालयों ने अंगीभूत महाविद्यालय, संबंधता प्राप्त महाविद्यालय और अल्पसंख्यक महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्राओं के प्रमाण पत्रों का सत्यापन लटका रखा है, जिसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने कुल सचिवों को हिदायत दी है कि जो तय अवधि में आवेदनों का सत्यापन सुनिश्चित नहीं कराएगा उन पर कार्रवाई तय। बोट सफारी का हुआ उद्घाटन। बीते दिन कैबिनेट का हिस्सा बनने के लिए सीएम नीतीश वाल्मीकि नगर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तमाम एजेंडों पर मुहर तो लगाई ही, साथ ही साथ वाल्मीकि नगर में कई पर्यटन स्थलों की शुरुआत भी की, जिसके तहत उन्होंने बोट सफारी का उद्घाटन किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने पुरानी त्रिवेणी नहर में नौकायान का आनंद भी उठाया। इसको लेकर प्रशासन ने भी काफी तैयारियां कर ली थी। वहीं मुख्यमंत्री 25 एकड़ में प्रस्तावित कन्वेंशनल सेंटर के स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिया गया। वहीं मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कन्वेंशनल सेंटर का इस तरीके से होना चाहिए कि इस पर्यटन स्थल की खूबसूरती का दीदार यहां ठहरने वाले कमरे के भीतर से ही कर सके। इस कन्वेंशनल सेंटर का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर होगा। इसको वाल्मीकि सभागर के नाम से जाना जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अंतर्गत इंडो नेपाल सीमा से होकर गुजर रहे नारायणी गंडक नदी का व्यू सभागर से दिखे, इसको लेकर के निर्देश दे दिया गया है। केन विलियमसन भी है मनोज वाजपेयी के कायल। हाल ही में न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन और बिहार से निकले बॉलीवुड के अभिनेता मनोज वाजपेयी के बीच वर्चुअली एक मुलाकात सामने आई थी। अमेजॉन प्राइम के एक वीडियो में मनोज वाजपेयी ने कीवी टीम के कप्तान केन विलियमसन का इंटरव्यू लिया और इस दौरान उनसे कई मजेदार सवाल भी किए, जहां विलियमसन ने भी मनोज वाजपेयी के हर सवाल का जवाब दिया। साथ ही उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी फेवरेट वेब सीरीज के नाम का भी खुलासा किया, जिसमें उन्होंने मनोज वाजपेयी की टांग खींचते हुए जवाब दिया और मिर्जापुर वेब सीरीज को अपना पसंदीदा वेब सीरीज बताया। बिहार सरकार दे रही है एक बस के लिए 7.50 लाख रुपए का अनुदान। बिहार में जल्द ही मिनी डीजल बसों के जगह पर मिनी सीएनजी बसों का परिचालन होने वाला है, जिसकी जानकारी हमने हाल ही में आपको दी थी, जिसके बाद अब परिवहन विभाग इसके लिए अधिकतम 7.50 लाख रुपए का अनुदान देने जा रहा है, जिसको लेकर डीजल बस संचालकों से आवेदन की मांग भी की गई है। परिवहन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अब तक इसको लेकर 50 आवेदन आ चुके हैं, जिसमें से 43 का चयन कर लिया गया है। पटना नगर निगम क्षेत्र में परिचालित निजी डीजल मिनी बसों को नए सीएनजी मिनी बसों में
प्रतिस्थापन पर अनुदान के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि सभी सीएनजी बसें 24 सीटर होंगी जो एक ही रंग और एक ही डिजाइन की रहेंगी। प्रतिस्थापन संबंधित स्वीकृति पत्र का वितरण जिला स्तर पर किया जाएगा। बिहार में बड़े पैमाने पर हो रही है तबादले की तैयारी। बिहार में जल्द ही बड़े पैमाने पर तैयारी की जा सकती है। जानकारों की माने तो दिसंबर का महीना बिहार के लिए तबादलों का महीना बन सकता है। इसको लेकर सरकार के अलग अलग विभागों में तैयारी चालू है। आलम कुछ यूं है कि कुछ जगहों पर काम पूरा कर लिया गया है। हाल ही के दिनों में पुलिस विभाग के तहत अलग अलग जिलों में तबादले का काम किया गया है, जिसके बाद अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले की तैयारी चल रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तबादलों को दिसंबर के आखिरी सप्ताह में अंजाम दिया जाएगा। सबसे अधिक अंचलाधिकारी इधर से उधर होंगे। राज्य में इस पद पर 534 अधिकारी तैनात है। इनमें से कम 5 दर्जन अंचलाधिकारियों के तबादले की संभावना है। इसके साथ ही जिन जिलों में अभी भूमि सर्वेक्षण नहीं चल रहा है, वहां के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों को सर्वे वाले जिले में तैनात किया जाएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे प्रकाश झा की। प्रकाश झा एक हिंदी फिल्मकार है। वो एक भारतीय हिंदी फिल्म के निर्माता, निर्देशक, चलचित्र के कथा लिखने वाले ऐसे फिल्मकार है जो फिल्मों के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक बदलाव की उम्मीदें लेकर हर बार बॉक्स ऑफिस पर हाजिर होते हैं। उनके साहस और प्रयासों की इस मायने में प्रशंसा की जानी चाहिए कि सिनेमा की ताकत का वो सही इस्तेमाल करते हैं और अपनी पहली फिल्म दामुल के जरिए गांव की पंचायत, जमींदारी, स्वर्ण तथा दलित संघर्ष की नब्ज को उन्होंने छुआ है। इसके बाद सामाजिक सरोकार की फिल्में बनाई, बाद में मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण और अब राजनीति लेकर मैदान में उतरे थे। अपने बलबूते पर उन्होंने आम चुनाव में उम्मीदवार बनकर हिस्सा भी लिया था। इन जिलों में अगले 2 दिनों तक रहेगा शीतलहर का प्रभाव। बिहार में पहाड़ी और बर्फीली इलाकों से आ रहे सर्द पछुआ हवा का प्रवाह आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाला है, जिसके कारण ही अभी न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी और बिहार के अधिकतर शहरों में कोल्ड वेव जैसी स्थिति जारी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सतह से 1 किलोमीटर ऊपर पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह बने होने से एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर तक बना है। इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी भाग के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल और दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय के 1 या 2 स्थानों पर शीतलहर चलने का पूर्वानुमान है। बिहार होमगार्ड्स भर्ती परीक्षा का स्केड्यूल जारी। केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने बिहार होमगार्ड्स भर्ती परीक्षा के लिए स्केड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत होमगार्ड के चयन के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 7 फरवरी 2022 से शुरू होगा, जबकि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 17 जनवरी 2022 को सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपनी लॉगिन डिटेल के साथ इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं ऐसे अभ्यर्थी जो किसी कारण से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे होंगे, वो 3 और 4 फरवरी को ऑफिस टाइम केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जारी गाइडलाइन के मुताबिक अभ्यर्थियों को कोरोना संबंधित सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। नए साल पर पटना जू का जरूर करें भ्रमण। नए साल आने में बस कुछ ही दिन और दूर है, ऐसे में आप नए साल के मौके पर कहीं न कहीं घूमने फिरने का प्लान जरूर बना रहे होंगे। हालांकि हर बार ऐसा देखा गया है कि नए साल के मौके पर पटना जू में भारी संख्या में लोग आते हैं, ऐसे में जू में अभी से ही तैयारियां तेज कर दी गई है। इसको लेकर 26 दिसंबर से अग्रिम बुकिंग भी शुरू करने की योजना है और साथ ही साथ जू में 4 नए काउंटर भी शुरू किए जाएंगे। हालांकि अब तक जो जानकारी निकल कर के सामने आई है, उसके अनुसार नए साल के आगमन को लेकर पटना जू में टिकट की बुकिंग ऑनलाइन भी की जा सकती है। इसको लेकर patnazoo.com पर टिकट उपलब्ध होगा। इस बार भी व्यस्कों के लिए टिकट की कीमत 100 रूपए रखी गई है, जबकि बच्चों के लिए टिकट की कीमत 50 रूपए रखी गई है। हालांकि कोरोना संक्रमण और ओमिक्रोन की आशंका को देखते हुए सभी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। बिहार के मुंगेर जिला के गोयनका शिवालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। तालाब के बीच बने गोयनका शिवालय श्रद्धालुओं के साथ ही मुंगेर आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बिंदु है। तालाब के चारों ओर रंग बिरंगे फूल, पौधे आदि मंदिर के सौंदर्य में 4 चांद लगा देते हैं। शिव मंदिर एक बड़ी पानी की टंकी के बीच में बनाया गया है, जो बड़ी और सुंदर मछलियों से भरा है, इसीलिए लोग इसे मछली तालाब के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण गोयनका परिवार द्वारा अपने ईष्ट और कुल देवता के निजी मंदिर के स्वरूप में लगभग 1895 में कराया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित और जल में अवस्थित शिवालय श्री वैद्यनाथेश्वर स्तंभ पर ये विराजित है। अब आपको जमीन की जानकारी के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर। जल्द ही आपको बसावट की जमीन खोजने के लिए एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक दौड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब आपको एक क्लिक पर ऑनलाइन इसकी जानकारी मिल जाएगी। शहर के जीआईएस प्लान पर क्लिक करते ही चौरी और संकरी सड़कों से लेकर नदी, तालाब, ग्रीन जोन, औद्योगिक और आवासीय इलाका दिख जाएगा। हालांकि अभी यह पहल राज्य सरकार ने प्रदेश के 9 शहरों का चयन जीआईएस आधारित प्लानिंग के तहत ही किया है, जिसके लिए अररिया, फारबिसगंज, खगड़िया, लखीसराय, जमुई, भभुआ, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी का चयन किया।
बताया गया है। इसमें अलग अलग उपयोग वाली जमीन, जमीन का सही मूल्यांकन, यहाँ तक कि खास इलाके की खास ऊंचाई तक की स्थिति के बारे में भी आसानी से जानकारी ली जा सकती है। सबसे खास बात यह है कि अगर नगर विकास विभाग की यह पहल रंग लाती है तो आने वाले समय में इसे बिहार के अन्य जिलों के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा काउंसलिंग की नई डेट जारी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 14 दिसंबर को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया था, जिसके बाद स्थगित हुई बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा काउंसलिंग की नई डेट जारी कर दी गई, जिसके तहत बीएसएससी ने नए नोटिस में कहा है कि स्थगित हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 25 दिसंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। 25 दिसंबर को होने वाली काउंसलिंग का कार्यक्रम बीएसएससी की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित किया गया है, उपलब्ध करा दिया गया है। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 2014 में सफल अभ्यर्थी अब 25 दिसंबर को होने वाली काउंसलिंग का कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। आयोग के अनुसार बीएसएससी प्रथम इंटर लेवल परीक्षा 2014 में काउंसलिंग के लिए 14,410 अभ्यर्थी योग्य पाए गए हैं। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित किया गया है। बिहार बोर्ड के उत्तर पुस्तिका संख्या के अनुसार होगा छात्रों का रोल नंबर। बिहार बोर्ड से इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किए गए नए आदेश के अनुसार इंटर परीक्षा में उत्तर पुस्तिका की संख्या के अनुसार ही छात्र का रोल नंबर होगा। बेंच डेस्क पर परीक्षार्थी उसी तरह से बैठेंगे जिस तरह उपस्थित पत्रक होगा। इसको लेकर बिहार बोर्ड की तरफ से सभी परीक्षा केंद्रों को निर्देश जारी कर दिया गया है। साथ ही यह भी साफ कह दिया गया है कि हर परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका, उपस्थिति पत्रक और ओएमआर उत्तर पत्रक एक सीरियल में रहेगा। इससे किसी तरह का उलटफेर या गड़बड़ी होने की भावना नहीं होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंटर परीक्षा 1 से 13 फरवरी तक चलेगी। इसके पहले 10 से 20 जनवरी 2022 तक प्रायोगिक परीक्षा होगी। आयुष्मान भारत कार्ड से अब बिहार में होगी किडनी ट्रांसप्लांट भी। आयुष्मान भारत कार्ड से बिहार में जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बिहार में पहली बार कार्ड में यह पैकेज को जोड़ दिया गया है। अब तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे दूसरे राज्यों में आयुष्मान भारत कार्ड से किडनी ट्रांसप्लांट की राशि का भुगतान होता था। आयुष्मान भारत के निदेशक हेल्थ केयर डॉक्टर अरशद ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि बिहार में भी अब आयुष्मान भारत कार्ड से किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। अभी पटना के IGIMS में इसकी सुविधा शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत कार्ड से कोरोना और AES का इलाज भी किया जा सकेगा। आयुष्मान भारत कार्ड के पैकेज में इसे शामिल कर लिया गया है। बिहार के इन तीन जिलों में बनेंगे 5 बिजली ग्रिड। बिहार के तीन जिलों में जल्द ही 5 बिजली ग्रिड का निर्माण होने वाला है। इन ट्रांसमिशन ग्रिडों को बनाने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार से राशि की मांग की गई थी। बिहार सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार से बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड मद में बकाया राशि में से 490 करोड़ की मांग की है। इसकी मदद से ही इन ग्रिडों का निर्माण हो सकेगा। पिछले दिनों ही बिजली कंपनी ने औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर और नवीनगर, गया जिले के भोरे और बाराचट्टी के अलावा पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में ग्रिड बनाने का फैसला लिया है। बिहार के नीतीश सरकार ने एक बार फिर केंद्र सरकार को पत्र लिखकर ग्रिड से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई है। योजना और विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने नीति आयोग को इस संबंध में पत्र लिखकर भेज भी दिया है। 25 और 26 को जुटेंगे राज्य भर के सभी इंजीनियर। बिहार अभियंत्रक सेवा संघ की वार्षिक आम सभा का हिस्सा बनने बिहार भर के सभी इंजीनियर आगामी 25 और 26 दिसंबर को एक साथ राजधानी पटना में जुटेंगे। यहां ये सभी इंजीनियर गलत नीतियों और जिलों में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ हुंकार भरेंगे। संघ के महासचिव डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही ये भी बताया है कि सरकार में बैठे कुछ लोगों की गलत नीतियों के कारण राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है। स्वतंत्र देश में ब्यूरोक्रेसी अभियंताओं के साथ गुलाम जैसा बर्ताव कर रही है, जिससे पूरे राज्य के अभियंता आक्रोशित है। अभियंत्रण सेवा संघ की केंद्रीय कार्य समिति में लिए गए निर्णय के आलोक में संघ के सत्र 2022-23 के लिए केंद्रीय कार्यकारिणी का गठन होगा। 25 दिसंबर को सदस्यों का पंजीकरण, लेखा एवं महासचिव के प्रतिवेदन पर चर्चा होगी। वहीं 26 दिसंबर को अध्यक्ष और महासचिव सहित 25 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन होगा। बिहार में इस नदी पर बन रहा है देश का सबसे लंबा पुल। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से 984 करोड़ की लागत में 10.2 किलोमीटर लंबे महासेतु का निर्माण कार्य की गति तेज कर दी गई है, जो कि साल 2023 तक बनकर तैयार होने की जानकारी निकल करके सामने आई है। इसके अनुसार यह भूपेन हजारिका पुल से भी करीब 1 किलोमीटर लंबा होगा। इस पुल के निर्माण के बाद सुपौल से मधुबनी की दूरी 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। फिलहाल लोगों को मधुबनी जाने के लिए 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जो घटकर 70 किलोमीटर हो जाएगी। इस महासेतु के सिर को दोनों तरफ बने तटबंध से सीधे जोड़ा जा रहा है। इस कारण से यह महासेतु देश में सबसे लंबा हो जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस पुल में कुल 171 पिलर बनेंगे। इनमें से 113 का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जबकि 5 पिलर बनकर तैयार हो गए हैं।
शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री ने कही अहम बात। हाल ही में शिक्षक नियोजन को लेकर स्केड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब शिक्षक नियोजन के तीसरे चरण का रास्ता साफ हो गया है। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीते दिन अहम बात कही है, जिसके तहत उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम लोगों ने कहा था कि जनवरी में प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, लेकिन पंचायत निर्वाचन के कारण ये नहीं हो सका। हमने कहा था कि पंचायत चुनाव खत्म होते ही नई समय सारणी जारी कर देंगे। जारी स्केड्यूल सरकार की मंशा की पुष्टि भी है। नए स्केड्यूल के मुताबिक नियुक्ति की प्रक्रिया फरवरी तक पूरी कर लेने की उम्मीद है, जिसके बाद अब जनवरी के पहले सप्ताह में काम पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पर बरसे लालू, जातीय जनगणना में विलंब होने पर उठाए सवाल। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार के साथ साथ देश भर में सियासत तेज है। यही कारण है कि विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे पर सवाल उठा रही है। इसी कड़ी में अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हमला बोला है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। जनगणना नहीं होने की वजह से केंद्र और राज्य सरकार दिशाहीन होकर बजट बना रही है, जिससे लोग और पीछे होते जा रहे हैं। हालांकि लालू ने यह भी बताया कि जातीय जनगणना किसी जाति के खिलाफ नहीं है। जातीय जनगणना में विलंब और आनाकानी नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, लालू यादव ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर संघर्ष करने की बात भी कही। आधार से लिंक किए जाएंगे वोटर कार्ड। सोमवार को लोकसभा में पारित हुए चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 को बीते दिन राज्यसभा ने भी ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। नए प्रावधानों के मुताबिक अब आधार और वोटर आईडी लिंक होने से चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों को अब आधार कार्ड मांगने का अधिकार होगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि आधार लिंकिंग की सुविधा इसीलिए दी जा रही है ताकि लोग अलग अलग स्थानों पर मतदाता ना रहे, उनकी बायोमेट्रिक डिटेल मिल जाएगी, जिससे वो एक ही स्थान पर वोटर रह सकेंगे। इसके अलावा वोटर लिस्ट में फर्जी नामों को शामिल करने जैसे कामों पर भी रोक लग सकेगी। साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट सीरीज को लेकर पूर्व दिग्गज ने भी की भविष्यवाणी। भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के दौरे पर है। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को मेजबान के खिलाफ खेलना है। यह सीरीज विराट कोहली के लिए अहम मानी जा रही है। उनको हाल ही में वनडे की कप्तानी से हटाया गया और टेस्ट को लेकर भी बातें कही जा रही है। वहीं इसी बीच पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने इस सीरीज से पहले भविष्यवाणी की है। उन्होंने बताया है कि किस टीम का पर्रा भारी रहने वाला है और क्यों। इससे साउथ अफ्रीका का बल्लेबाजी क्रम और भी ज्यादा कमजोर और जल्दी टूटने वाला हो जाएगा। ऐसे में गावस्कर के अनुसार भारतीय टीम के पास इस टेस्ट सीरीज के जीतने का सबसे अच्छा मौका होने वाला है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर 1843 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए। देश में पहली मालगाड़ी 1851 में रुड़की से चलाई गई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना जेएनयू अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संसद द्वारा 1966 में की गई थी। भारत और पाकिस्तान ने 2006 में स्थानीय निकाय के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया। सशक्त बलों के वेतन में विसंगतियों के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि पंकज सिंह का जन्म 1948 में आज ही के दिन हुआ। गुरु रामकृष्ण परमहंस की पत्नी और आध्यात्मिक साथी शारदा देवी का जन्म 1953 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई का 1975 में निधन आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 21 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,800 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,800 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीष मोहरा, गौतम कुमार, बबीता यादव, कुंदन साजवान, राजीव कुमार, रवि रंजन, मंजीत पांडे, मुन्ना यादव, विकास कुमार सिंह, अनिल मंडल, लर्न इन्फो, सर्वजीत कुमार, सौरभ मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, दीपक कुमार, मुकेश भारती। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार ने कन्याओं के उत्थान के लिए सराहनीय काम किया है या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।